आप देख रहे हैं नुमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल में वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ऊंट कटारा पौधों के बीज की दोस्तों सफाई करने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने ऊंट कटारा पौधों के बीज तोड़े हैं और दोस्तों अब मैं इनकी सफाई कर रहा हूँ। ये हमने एक जगह पे इकट्ठे कर दिए हैं और हम लकड़ी की मदद से अब इनकी सफाई करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। इसको हल्का हल्का आपने ऊपर से इस तरह लकड़ी मारनी है तो ये खुद ब खुद जो इसके बीज हैं ये नीचे एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इसके जो ये बीज हैं ये रुईनुमा है। ये बहुत एहतियात से इनको हमने यहाँ से काटा है छुरी की मदद से इस जगह से। और इनको दोस्तों थोड़ा सा अगर आप ये इनको थोड़ा सा झटका लगेगा ये हिलेंगे तो इनका जो बीज है ये उड़ जाएगा हवा से, क्योंकि ये रुईनुमा है। ये आप देख सकते हैं जिस तरह अक पौधे के बीज होते हैं रुईनुमा, अभी ये उड़ने वाले बीज हैं। तो इनको बहुत एहतियात से पौधे के साथ से तोड़ना पड़ता है। तो अब ये दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह दोस्तों आपने इसको थोड़ी देर तक इस तरह लकड़ी की मदद से आपने इस तरह कर देना है ताकि जो बीज हैं वो इनमें से निकल जाएं। तो अब ये तकरीबन दोस्तों इसमें से बीज निकल गए हैं। अब हम इस तरह करेंगे कि इसको ऊपर से हटा देंगे इनको। ये जो दोस्तों डोडे हैं इन डोडों को हम साइड पर करेंगे और जो नीचे बीज होगा हम उसको अलहदा कर देंगे। फिर हम किसी डब्बी में इन बीज को डालेंगे। आपको मैं दोस्तों इन बीज का जो फ़ायदा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जिगर की बीमारियों के लिए, मैदा की बीमारियों के लिए और गुर्दों की बीमारियों के लिए इसके बीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऊंट कटारा के बीज हैं। ये अब देखें कि मैंने ऊपर से ये जो छिलके थे, ये जो डोडे से थे, ये मैंने साइड पे कर दिए हैं। इनका जो दोस्तों साइज़ है ये अखरोट अखरोट जितना है, जिस तरह अखरोट होता है अखरोट नुमा है। और ये दोस्तों अब जो इसका बीज है ये आप हमने ये देख सकते हैं आप। ये दोस्तों आप हम किसी डब्बी में डाल के इसको रख देंगे। दोस्तों मुझे इतने ज़रूरत थे तो मैंने इनको इतना सा तोड़ा है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है, आपने ज़्यादा दवाई बनानी है तो फिर आपने इनको ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा। तो ये दोस्तों इस तरह के बीज होते हैं। ये आप देख लें, इसका ऑयल भी निकाला जाता है। अगर दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और बेल के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।